ओम शांति। आज तारीख है 19/7/2020। प्रत्यय मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 25/2/86 मधुवन डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर दृश्य तो सुंदर था, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज़ दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध और रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों के भिन्न भिन्न बातें आएं, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकम संटांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर, एक थी यह स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज। दृढ़ता की स्टेज तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ यह हार पहनना व सफलता का भी हार पहनना। सफलता गले का हार है, यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, यह दोनों देख रहे थे। डबल माला डबल स्टेज देख रहे थे, सभी ने दृढ़ संकल्प किया। बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए, लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्म प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है, एक बाप दूसरा न कोई, यह है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक स्थिति सौतः और सहज है, सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी, इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधे, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य तीन संबंध है? सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां है, सर्व संबंध नहीं तो कोई न कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि बहुत ही उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते हैं, सदा विनाशी भव अमर भव। आज एशिया का गुरु बैठा है, एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला गुरु जापान में गया, यह विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ, तो एशिया का नंबर स्थापन में आगे हुआ ना। पहले विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ, तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है, जो समीप होता है
उनको सिकीले दे कहते हैं। सिकीले दे बच्चे छिपे हुए हर स्थान पर, कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। क्वांटिटी भले ही कम है लेकिन क्वालिटी है, मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है, सब स्नेही सब लवली हैं, हर एक दो से ज़्यादा स्नेही हैं। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक ये अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह है, मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। हर एक की गोपी के साथ वल्लभ है, सिर्फ एक राधे के साथ हुआ, सिर्फ आठ पटरानियों के साथ नहीं। हर एक के गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है, तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते ही हैं महारास। इस महारास में का बहुत बड़ा गायन है, बाप दादा का हर एक से एक दो से ज़्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है, पद्मा पद्म है, भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई हो ना। जापान तो कितना बड़ा है लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं, तो कोटों में कोई हुआ ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिकी लदे हैं, बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधन किसको विशेष नहीं देख, अच्छा ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा आपका। आज का वरदान है हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान। पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पद्म पति भव। वरदान है डिटेल से आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीद को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान। संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो कि एक संकल्प भी पद्मा पद्मपति बना देती है। स्लोगन है हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अच्छा ओम शांति। आप सभी बाबा के मीठी सिकी लदे बच्चे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमारी नेक्स्ट मुरली की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा फिर से ओम शांति।